हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनबॉक्स डेली। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं किंडल 10th जेन का। तो चलिए जल्दी से इसके बॉक्स को देख लेते हैं। तो इसका बॉक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपलिस्टिक सा इसमें डिज़ाइन है। पीछे इस पर स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। ये 10th जनरेशन किंडल है तो इसमें 6 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। 8GB की इसकी स्टोरेज है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, प्लस बिल्ट इन लाइट है। जल्दी से बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इसका 6 इंच का डिस्प्ले है वो ई इंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। उसमें 6 लेवल्स का ग्रे स्केल का ये डिस्प्ले है और ये बिल्कुल न्यूज़पेपर जैसा लुक एंड फील देता है। अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम है। इसमें ये किंडल की ब्रांडिंग दी गई है और उसमें ये जो किंडल का लोगो है वो भी इसमें दिया गया है। ये ऐसे स्लाइड आउट करके आपका किंडल बाहर निकल आएगा। इसका डिस्प्ले जो है वो 167 PPI के साथ आता है। तो बॉक्स में आपको ये स्टार्टअप गाइड मिल जाएगी और उसके अलावा ये इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको बेसिक बताता है कि कैसे आपको अपना किंडल सेटअप करना है, कैसे आपको ई बुक्स डाउनलोड करनी है, वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस आपको इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको साथ इसमें माइक्रो USB केबल मिलती है जो कि आप इसे चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी चार्जिंग की बात करूं तो अमेज़न क्लेम करता है कि एक 5 वॉट के चार्जर से ये 4 आवर्स में चार्ज हो जाता है। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग है। ये कहते हैं कि मिनिमल ब्राइटनेस के साथ ये अप टू 4 वीक्स तक आपको 1/2 आवर की रीडिंग दे देता है, विच इज़ रियली अमेजिंग इन माई ओपिनियन। तो चलिए अब किंडल की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 16 लेवल ग्रे स्केल का डिस्प्ले है, ई इंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, विच इज़ कम्प्लीटली एंटी ग्रे। 6 इंच इसका साइज़ है। अगर आप अमेजोन पे देखेंगे तो ये आपको अराउंड 8000 का मिल जाएगा। अगर मैं इसके लुक एंड फील की बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट है, 174 ग्राम का है ये और अपने साइज के हिसाब से काफ़ी हैंडी है। अगर मैं इसके कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो ये 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो चलिए अब इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस देख लेते हैं। तो अमेजोन क्लेम करता है कि ये डायरेक्ट सनलाइट, डे नाइट और किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आपको बिल्कुल एंटी क्लियर एक्सपीरियंस देगा और आप इस पे आराम से रीडिंग कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपीरियंस है बुक पढ़ने का वो कम्प्लीटली एक न्यूज़पेपर जैसा है क्योंकि ये ई इंक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, इवन लोएस्ट ब्राइटनेस सेटिंग, इवन एट हाईएस्ट ब्राइटनेस सेटिंग पे ये कम्प्लीटली लेजिबल है और इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, सिंस यू कैन रीड कॉन्टिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स और आपकी आईज पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ब्राइटनेस को तो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बहुत ही वेराइटी ऑफ नॉवल्स एज वेल एज ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। आप अपने ब्राउज करके देख सकते हैं कि विच इज़ द टाइप ऑफ नॉवल्स और ई बुक्स यू लाइक। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैं ये इस नॉवल को ब्राउज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके रेटिंग एज वेल एज रिव्यूज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि बाकी लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही आप इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द वे यू परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon। तो उसी हिसाब से आप अपनी पसंद की ई बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किंडल स्टोर के साथ आपको ऑडिबल का भी स्टोर का यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, आप ऑडिबल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ अ रियली गुड फीचर टू हैव। अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स को यहाँ पे काफ़ी एक्सेस मिल जाता है, पूरी लाइब्रेरी का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप अमेज़ॉन प्राइम मेंबर है। तो अनलिमिटेड बुक्स एज वेल एज ई बुक्स नॉवल्स आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं फॉर प्राइम मेंबर्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो व्यू बुक्स वाया डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल एज डिफरेंट डील्स। चलिए अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो अमेज़ॉन क्लेम करता है कि ये वन हैंड के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ राइट क्लेम। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मैं एक हाथ से इसे आराम से मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ और मैं इजीली अपने नॉवल के थ्रू नेविगेट कर पा रहा हूँ। 1 टैप के साथ आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको कौन से पेज पे आप रीड कर रहे हैं, प्लस आपके नॉवल का कितना परसेंट आप रीड कर चुके हैं, वो वाला अपडेट भी आपको यहाँ पे नीचे मिलता रहेगा। तो गाइज़ अगर मैं इसके टच की बात करूँ तो इसका जो डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, वो थोड़ा सा मुझे इनिशियली टफ लगा यूज़ करने के लिए और मैं उसे इतने अच्छे से नेविगेट नहीं कर पा रहा था। बट विद टाइम आई गॉट यूज टू इट और उसके बाद मैं इसको ईजिली नेविगेट कर पा रहा था। तो आपको थोड़ा सा यूज़ टू होना होगा इसके लिए क्योंकि ये एक कैपेसिटिव फ़ोन के डिस्प्ले की जितना रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट स्टिल आई थिंक इट डज़ द जॉब। तो अगर मैं और इसमें ई बुक्स की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें बहुत ही बड़ी कलेक्शन है। आपको कभी भी अपनी चॉइस की नॉवल ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपनी चॉइस की नॉवल हमेशा मिल जाएगी। और आई थिंक 8GB डेटा जो इसके साथ इंटरनल स्टोरेज दी गई है उसमें आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नॉवल स्टोर कर सकते हैं। तो ये जल्दी से अब इसके सेटिंग्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आपको इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी विच आर रियली हैंडी एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो सबसे पहले तो इसमें योर अकाउंट सेक्शन है, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा आपको वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है जिसको कि आप ऑन ऑफ या अपनी चॉइस का वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड भी दिया गया है अगर आप चाहते ही नहीं कि आपका किंडल वाईफाई से कनेक्ट हो। देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डिवाइस सेटिंग्स जहां पे कि आप अपना डिवाइस रीसेट कर सकते हैं, कस्टम कवर लगा सकते हैं,
देन रीडिंग ऑप्शंस में जाके भी आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि पेज रिफ्रेश एज वेल एज वोकैबुलरी बिल्डर। वोकैबुलरी बिल्डर काफी यूजफुल टूल है जो कि आपको ऑन द फ्लाई वर्ड्स का मीनिंग बता देता है। मैंने इसे ऑन रखा हुआ है, आपको भी ये काफ़ी यूजफुल लगेगा। प्लस लैंग्वेज, कीबोर्ड, डिक्शनरीज एज वेल एज और भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे वॉइस व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन है जहाँ पे कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ मैगजीन्स या फिर नॉवल्स एज वेल एज बुक शो हों और कुछ ना शो हों। हेल्प एंड यूज़र गाइड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड एज वेल एज अमेजोन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे लाइन हाईलाइट करनी है आपको अपने किंडल में। तो अगर आप किसी भी बटन को प्रेस करके रखेंगे या फिर उस पर टैप करेंगे तो ऐसे उस पर एरोस बने हुए आ जाएंगे। उन एरोस को आप ऐसे स्ट्रेच करके किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते ही वहां पे आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप हाईलाइट को प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको ये लाइन हाईलाइट हो जाएगी। तो इन केस अगर आपको कोई भी लाइन ऐसे या टेक्स्ट आपको हाईलाइट करनी है, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, प्लस डिलीट भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ रियली यूजफुल फीचर टू हैव इन केस ऑफ मार्किंग एनी टेक्स्ट ऑन योर किंडल। मूविंग ऑन, सो द नेक्स्ट फीचर विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द वर्ड मीनिंग ऑप्शन। यहाँ पे आप किसी भी वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। अमेजोन कहता है कि इसके थ्रू आपका बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग देखने के लिए किंडल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली किसी भी वर्ड पर टैप करेंगे तो आपको उसके पूरी डिक्शनरी मीनिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द नोट राइटिंग ऑप्शन। तो आपको अगर कोई भी नोट बनाना है तो वो भी आप अपने किंडल पे बना सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को, लाइन को आप हाईलाइट करके वहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे टैप करेंगे तो वो नोट आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आप उसे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं, विच आई थिंक इज अ रियली गुड ऑप्शन, और रीडिंग करते समय आपको ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन लगेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको किंडल में काफ़ी यूजफुल ऑप्शंस मिल जाएंगे कीपिंग इन माइंड अ रीडर्स पर्सपेक्टिव। तो नेक्स्ट ऑप्शन जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं वो है बुकमार्क ऑप्शन। तो आप किसी भी पेज को जिस पे आप हैं वहाँ से कंटिन्यू रीडिंग करने के लिए एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम उस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुकमार्क का ऑप्शन है, उसे टैप करते ही आपके सारे सेव्ड बुकमार्क्स भी आपको शो हो जाएंगे और जिस पेज पे आप थे वो वाला पेज भी आपका बुकमार्क हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी आगे चले गए तो आप से अपना बुकमार्क का ऑप्शन खोल के वापस उस पेज पे रिट्रैक कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड फीचर और ये बिल्कुल आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देता है। जैसे आप जनरली बुक्स को रीड करते हैं ये सेम वैसा ही एक्सपीरियंस देता है। मूविंग ऑन, आपको अपने किंडल में एक स्टोर और उसमें सर्च करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स यहाँ पे आपको किंडल में मिल जाएंगी। इनका रिकमेंडेशन इंजन भी काफ़ी अच्छा है, दे कीप रिकमेंडिंग यू गुड टाइटल्स एज वेल एज बुक्स। तो आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक बुक सर्च करनी है तो उसका ऑप्शन भी है, आप आराम से कोई भी बुक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हैरी पॉटर की बुक सर्च करी है तो आपको जितनी भी सीरीज है वो सारी एक साथ दिख जाएंगी। अमेजोन प्रॉमिस करता है कि काफ़ी आपको न्यू बेस्ट सेलर्स एज वेल एज न्यू रिलीजेस सारी बुक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वर्ड सर्च करने का। तो आप किसी भी वर्ड को अपने स्पेसिफिक बुक में या फिर अक्रॉस डिफरेंट बुक्स में या जितनी भी बुक्स आपके पास डाउनलोडेड हैं उसमें सर्च कर सकते हैं। तो आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करिए और उसको अक्रॉस द बुक जितनी भी बार वो रिपीट हो रहा है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो किंडल आपको दिखा देगा कि वो सेम वर्ड के कितने इंस्टेंसेस हैं जो कि बुक में रिपीट हुए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल बुक्स डाउनलोडेड हैं और आप देखना चाहते हैं कि सेम वर्ड का रेफरेंस कितनी बार दूसरी बुक्स में प्रेजेंट है तो वो आपको उसका भी बता देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने हैरी पॉटर से एक वर्ड को सेलेक्ट किया तो वो मुझे बता रहा है कि काई टर्नर और टू किल अ मॉकिंगबर्ड में भी वही सेम वर्ड प्रेजेंट है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, वो है चैप्टर चेंज करना। तो आप कोई भी चैप्टर को ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है या आप उसे स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली दूसरे चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ रियली अ वेरी गुड ऑप्शन। थीमिंग का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, तो आप इसमें अपना लेआउट एज वेल एज कैसा थीम आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन प्रीडिफाइंड ऑप्शंस हैं जो कि है स्टैंडर्ड, लार्ज और कॉम्पैक्ट। उनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना कस्टम लेआउट भी सेट कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ रियली गुड। और आप अपने आइज़ के हिसाब से जो भी कम्फर्टेबल लगे उस हिसाब से आप अपना साइज फॉन्ट का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है फॉन्ट सेटिंग। तो आप अपना फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लाइक देर आर मल्टीपल फॉन्ट्स विच आर गिवन इन द किंडल इटसेल्फ। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा टाइप का फॉन्ट आपको चाहिए, विच आर रेंजिंग फ्रॉम
फ्रॉम हेलवेटिका टू मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, तो आप उसमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगे, आपकी आईज़ के लिए सबसे सूदिंग लगे, आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी माइनर चीज़ों का, माइन्यूट डिटेल्स का ख्याल किंडल में रखा है फ्रॉम अ रीडर पर्सपेक्टिव, एंड आई थिंक ये रीडर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेआउट का जैसे मैंने आपको बताया, आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में ना पढ़ के लैंडस्केप में पढ़ना बेटर लगता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ ऑल्सो अनदर रियली गुड थिंग टू इनकॉर्पोरेट। अलाइनमेंट भी आप टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, इवन मार्जिन एज वेल एज स्पेसिंग भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो वो है एक्सरे फीचर। तो आप अगर यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू में जाके देखेंगे तो आपको एक्सरे फीचर दिख जाएगा। तो इसमें जितने भी बार एक कैरेक्टर का रेफरेंस होगा वो यहाँ पे आपको किंडल शो कर देगा। दिस इज समवॉट सिमिलर टू फायर स्टिक में जो एक्सरे ऑप्शन है, सेम वैसा ही है। तो आपको जितना भी रेफरेंसेज हैरी पॉटर का मिला होगा अक्रॉस द बुक, वो आपको एक जगह पे कंसोलिडेटेड दिख जाएगा। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। और अगर आपको चेक करना है कि किस एक कैरेक्टर का कितनी बार रेफरेंस हुआ है, आप किसी भी बुक को, नॉवल को या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको शेयर भी कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं उसको। दिस इज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग फीचर। सिंस किंडल में इनबिल्ट वाईफाई कनेक्टिविटी आती है, तो यू कैन डायरेक्टली शेयर इट विद एनी ऑफ द मेम्बर्स विच यू लाइक टू शेयर, जिसको भी आप वाया ईमेल शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो जैसा कि अमेजॉन क्लेम करता है कि ब्राइट सनलाइट में भी इसकी रीडिंग लेजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है, तो ये मैं यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए एकदम ब्राइट सनलाइट में भी, इवन व्हेन आई मिनिमाइज द ब्राइटनेस टू एकदम जीरो लेवल, तब भी ये कम्प्लीटली लेजिबल है, टेक्स्ट इसका कम्प्लीटली विजिबल है, और इवन ब्राइट सनलाइट में भी आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं।